क्वेश्चंस होंगे जो डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं वो साथ साथ बताता जाऊंगा ताकि आप उनको नोट डाउन कर लें और आपका ये टॉपिक अच्छी तरह से तैयार हो जाए। स्टूडेंट देखिए, हमारे पास सबसे पहले आप देखिए, हमारे पास जो कंपाउंड हम डिस्कस कर रहे हैं बोरिक एसिड, हमारे पास वो कहता है राइट डाउन द नेम ऑफ डिफरेंट एसिड्स ऑफ बोरॉन, यानी कि बोरॉन के या बोरिक एसिड के जो डिफरेंट ऑक्सी एसिड्स हैं उनके नाम लिखें। तो स्टूडेंट हमारे पास चार एसिड्स होते हैं, आर्थोबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड और पायरोबोरिक एसिड। स्टूडेंट इनका एक तो आपको मॉलिकुलर फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेट्राबोरिक एसिड या पायरोबोरिक एसिड, और बाकी ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ सकता है कि आप ये बताइए कि राइट डाउन द नेम ऑफ द डिफरेंट ऑक्सी एसिड ऑफ बोरॉन। तो ये हमारे पास ऑक्सी एसिड हैं बोरॉन के, आपके सामने चार नाम हैं इनके। इसी तरह स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास पॉइंट है स्टूडेंट, ये जो एसिड हैं इनमें से ये तमाम के तमाम स्टेबल नहीं होते, यानी कि ये एग्जिस्ट नहीं कर पाते विदाउट वाटर में, तो ये पाए जाते हैं लेकिन अगर हम इन्हें वाटर से बाहर निकालेंगे तो स्टूडेंट ये जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं, और रिएक्ट करने के बाद, यानी कि ये आप कह लेंगे ये अनस्टेबल होते हैं, और वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद ये कन्वर्ट इवेंचुअली किसमें हो जाते हैं, बोरिक एसिड में। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जो हमारे पास ये बोरिक एसिड हैं, ऑक्सी एसिड ऑफ बोरॉन है, ये स्टूडेंट इन तमाम एसिड में से बोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड जो है वो सबसे स्टेबल है, बाकी तमाम जो बोरिक एसिड हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हमारे पास इवेंचुअली बोरिक एसिड में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इसमें से डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं स्टूडेंट कि अगर आपको कहा जाए कि कन्वर्ट टेट्रा बोरिक एसिड इंटू बोरिक एसिड, तो आप वाटर के साथ 5 मोल ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे। अगर आपको कहा जाए कि पायरो बोरिक एसिड को बोरिक एसिड में कन्वर्ट करवाएं, तो आप उसे 3 मोल ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करवा देंगे। इसी तरह से स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास एक, ये तमाम के तमाम जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह स्टूडेंट प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड में आ जाए, 2 मेथड्स हैं प्रिपरेशन के लिए। पहला फ्रॉम कोलेमनाइट। स्टूडेंट देखिए, कोलेमनाइट की प्रिपरेशन में बताने से पहले मैं आपको बताता चलूं, एक छोटा सा डायग्राम के जरिए मैं कोशिश करूंगा आपको ये बात मैं समझाता चलूं। स्टूडेंट ये कोलेमनाइट क्या है, ये बोरॉन की नेचुरली अकरिंग एक ओर है, ये सॉलिड फॉर्म में यकीनन पाई जाती है, आप कह लीजिए कि ये हमारे पास कोलेमनाइट है, ये मैं आपको जरा बताता चलूं ताकि ये परसेप्शन आपके माइंड में क्लियर हो जाए। इस कोलेमनाइट में, कोलेमनाइट में से हम क्या करते हैं बेसिकली, उसमें एक बॉयलिंग वाटर, यानी कि बॉयलिंग वाटर बड़ी हाई टेम्परेचर पर हम वाटर यहां पर इसमें ऐड करते हैं, बॉयलिंग वाटर ऐड करते हैं, और साथ में क्या ऐड करते हैं, साथ में SO2 गैस भी पास कर देते हैं। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो बोरेक्स है या जो बोरिक एसिड है सॉरी, वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में नीचे बैठना शुरू हो जाता है। तो ये सिंपल सा हमारे पास जो है बेसिकली हमारा एक ये रिएक्शन है कि हम क्या करते हैं, कोलेमनाइट लेते हैं, कोलेमनाइट में बॉयलिंग H2O ऐड करते हैं और साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं, तो बोरिक एसिड प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट फ्रॉम बोरेक्स, ये आप जानते हैं ये बोरिक एसिड का साल्ट है और इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं स्टूडेंट्स, तो यकीनन हमारे पास जो है ये दोबारा हमारे पास जो है वो बोरिक एसिड प्रिपेयर करता है। तो इन दो रिएक्शन को, ये भी बड़ी दफा हमारे एनुअल एग्जाम्स में ये हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट है, जो हमारे करिकुलम में शामिल है उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाउ वी कैन राइट डाउन 2 मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड, ये क्वेश्चन भी आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, राइट डाउन 2 मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड। इसी तरह स्टूडेंट आइए मजीद कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन स्टूडेंट आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, ये बड़ी दफा आ चुका है स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारे एनुअल एग्जाम्स में कि हाउ बोरिक एसिड रिएक्ट विद इथाइल अल्कोहल एंड कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। स्टूडेंट ये हमारे पास दो रिएक्शन बड़ी अच्छी तरह से आपने तैयार करने हैं, पहले आप देख रहे हैं इथाइल अल्कोहल और बोरिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास ये बोरेट बन जाता है, इथाइल बोरेट बन जाता है और प्लस वाटर जो है वो रिलीज होता है। इसी तरह स्टूडेंट एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे, यकीनन साल्ट और वाटर बनेगा, ये रिएक्शन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। इसी तरह से अब बहुत ही एक और बड़ा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन बोरिक एसिड, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट देखिए, बोरिक एसिड पर हीट का क्या इफेक्ट होता है, तो स्टूडेंट जब बोरिक एसिड को हीट करते हैं, इट फर्स्टली कन्वर्ट इनटू द मेटाबोरिक एसिड, देन ऑन फर्दर हीटिंग, यानी जैसे जैसे ज्यादा टेम्परेचर देते जाएंगे, पहले हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड किया, फिर 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड किया,
तो ये भी डिकम्पोज हो गया किसमें, टेट्राबोरिक एसिड में। और स्टूडेंट जब इसको फर्दर रेड हॉट यानी वेरी हाई टेम्परेचर देंगे तो ये भी स्टूडेंट क्या करेगा, दैट विल ऑल्सो बी डिकम्पोज इंटू बोरेक मेटाबोरिक, इसे कहते हैं बोरेक एनहाइड्राइड, बोरेक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड ऑफ द बोरिक एसिड। इसका मतलब है जब वाटर सारा रिमूव हो जाएगा तो फिर एनहाइड्राइड हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। तो ये भी स्टूडेंट एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो आपने अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट प्रूव दैट, अब एक और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट प्रूव दैट बोरिक एसिड इज मोनोबेसिक एसिड। स्टूडेंट मोनोबेसिक एसिड क्या होता है, जो एक प्रोटॉन डोनेट कर सके। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास रिएक्शन हमारी बुक में गिवन है, मैं जरा स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखूंगा इसका। ये स्टूडेंट हमारे पास होता है H3BO3, इसमें स्टूडेंट हमारे पास जो है ये स्टूडेंट बोरॉन का ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं है, बोरॉन का ऑक्टेट अभी मुकम्मल नहीं है। अगर स्टूडेंट हम इसे वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्ट करवाने से आप जानते हैं OH पे चार्ज होता है नेगेटिव, H पर चार्ज होता है पॉजिटिव। तो क्या होता है जब ये इसके साथ बोरॉन के साथ रिएक्ट करता है तो ये एक्सेप्ट कर सकता है वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बात याद रखिए, इट कैन एक्सेप्ट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। और क्या होता है स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास क्या बनता है, ये बोरॉन है, इसके साथ स्टूडेंट हमारे पास ये OH है, फिर हमारे पास ये OH है, फिर हमारे पास ये OH है, और फिर हमारे पास ये OH है। और स्टूडेंट आप देखें जब ये सारे OH यहाँ पर अटैच हो गए, यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज, और बाकी क्या बचा स्टूडेंट, H पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने एक H पॉजिटिव आयन दिया सोल्यूशन के अंदर। और यहाँ पर जो बात असल में H पॉजिटिव आयन यहाँ से एसिड से तो रिलीज नहीं हो रहा ना, ये बात ध्यान में रखिए, क्या हो रहा है कि इट कैन एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट कर रहा है वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले को मोनोबेसिक एसिड कहते हैं। और साथ साथ वाटर के अंदर वन एच पॉजिटिव आयन बन रहा है, इसलिए स्टूडेंट ये मोनोबेसिक एसिड कहलाता है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था जो शॉर्ट क्वेश्चन से भरपूर और बड़े ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन इसमें मौजूद थे। उम्मीद करता हूँ लेक्चर अच्छी तरह से समझा होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।